अमावस्या का दिन जब माता पिता दोनों की ब्लेसिंग साथ में आती है, शास्त्रों में इन द बुक्स टूडेज नो मून डे इज डिक्लेयर्ड एज ए साइलेंस डे. नॉर्मली पीपल से एज ए मौनी अमावस्या. तो वी ट्राई टू कीप इन साइलेंस एंड वी आर सजेस्टेड टू गो टू टेक ए शावर इन द रिवर. वी आर अनेबल टू गो. सो टूडे वी आर गोइंग आवर कार्मिक एक्सचेंज सीरीज नंबर वन. हम आज से कार्मिक सीरीज पहली चालू कर रहे हैं. अब हम आपको थोड़ा बता दें अभी तक हमने क्या किया. तीतिर आप ध्यान रखिएगा प्लीज, है ना, हम ध्यान नहीं रहेगा कोई और कर. इन द कार्मिक सेशन हमने ये लर्न किया कि आज के इस कलयुग में हमसे जाने अनजाने कौन कौन सी भूल हो गई है. कहीं तो अनजाने में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या के कारण. तो जो शास्त्रों के हिसाब से संचित कर्मा अकर्मा अलग अलग नाम दिए गए, अकर्म विकर्म, उसको हमने लाकर एक नए शेप में दे दिया कि फर्स्ट इमेजिनेशन कर्मा, कल्प रचित कर्मा. कल्प रचित कर्मा मतलब कई हम विचारों में. अब आप एक बात बोलिए, फॉर एग्जाम्पल तितिर है ना, भारती के बारे में गलत सोच रही है ना, कि ये तो बहुत ज्यादा मतलब रॉन्ग थॉट. तो आप क्या सोचते हैं, ये भारती को जिसने बनाया उस तक नहीं पहुंचेंगे. वेन यू फॉलो कीप द फेथ कि योर प्रेयर कैन रीच टू द गॉड, हाउ यू कैन नॉट थिंक लाइक दैट कि आपका नेगेटिव थॉट भी उस ऊपर वाले तक जाता है. मन ही मन सोचे, हो सकता है भारती को नहीं मालूम, मुझको नहीं मालूम, जो भी बोलने वाला बोलता है सोचता है. आप ये सोचे नहीं मालूम पड़ रहा है इसको सामने वाले को. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके मन की बात जान लेते हैं. कई स्पिरिचुअल लोग आपको गली गली में मिलेंगे, ऐसे लोग कि आप गए तो ये सोच रहे थे आप बोल दो हाँ. तो ये कल्प रचित कर्मा में भी, हमसे इमेजिनेशन कर्मा में भी कुछ भूल हुई जो हमने डिटॉक्स करी. हमें इमोशनल कर्मा में, डिटॉक्स कर्मा में, इमोशन कर्मा में, कि हमने भावना में आकर अपने पुत्र या अपने पुत्री का फेवर लेते हुए हमने अगर कुछ ऐसे कार्य कर लिए जिसमें कंडीशन से कर्मा बिगड़ गया. इंटेलेक्टुअल प्रोफेशनल ये सब हमने कर्मा सीखे. आज से जो सेशन चालू करने वाला हूं मैं वह है एक्सचेंज ऑफ कर्मा. तो टुडे इज अ डे ऑफ सन. सन मीन्स डे ऑफ सन प्लैनेट. इन आवर लाइफ वी नो इट वेरी वेल. आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आवर रिलेशन ऑफ लाइफ इज डिपेंड ऑन द प्लैनेट्स मूवमेंट, प्लैनेटरी पोजिशंस. आवर बॉडी इज द फाइव एलिमेंट, द प्लैनेट ऑल्सो कंसिडर द फाइव एलिमेंट. वॉट एवरी प्लैनेट गिविंग अस एज ए रिलेशन, एज अ पार्ट ऑफ बॉडी. टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस from the sun planet in relation what we are receiving. Means when you are son or daughter, what you receive from your father. आपके पिता से आपने क्या रिसीव करा एज ए कर्मा के रूप में, और what as a father or mother you are going to deliver. Those are women are here. Really they can feel मोनी अमावस्या लाइव, बिकॉज द ओनली वुमन्स कैन एक्सपेक्ट व्हाट दे डिलीवर रिसीव फ्रॉम हर फादर एंड व्हाट दे डिलीवर इज मदर. गॉट इट? आपको समझ में आया? एक महिला के लिए आज का दिन बड़ा महत्वशाली होगा कि एक मां के रूप में, एक बेटी के रूप में आपने पिता से क्या ग्रहण करा और एक मां के रूप में आपने क्या डिलीवर करा. नो डाउट
मदर डीलर इज ऑलवेज ऑलवेज हायर पोजिशन. माता पिता, पहले पति पत्नी, और जब वो पत्नी मां में बदल जाती है तो माता पिता हो जाते हैं. तो आइए आज हम साइलेंस मोड में, वी विल बिकम इन द साइलेंट, वी विल व्हाट वी हैव टू थिंक. पहली चीज, सोचे, कल्पना करें, महसूस करें. हम हमेशा कहते हैं थिंक इमेजिन एंड फील. फ्रॉम द चाइल्डहुड अर्ली व्हाट यू रिसीव फ्रॉम योर फादर. आपने कब किस आयु में अपने पिता को जानना चाहा, पिता के साथ आपने क्या नटखट करा, कितना पिता ने इसने किया आपको, कितने पिता की डांट लगाई आपको, क्या आपके मुंह से कोई ऐसे शब्द थे जो आपने बोले हो और आपके पिता को हर्ट हुआ. यस, मैं बताता हूं आपसे. व्हेन आई वाज 6 ईयर ओल्ड, आई थिंक आई वाज इन दैट 7 ईयर ओल्ड, दैट टाइम my fight of my father with my eldest brother. तो my eldest brother ने कुछ ऐसा कहा कि मैं वो हूंगा जो आपके घर में आऊंगा वापस, एक छोटा गाली टाइप दिया. That keep in my mind, मेरे सबकुछ में कैप कर दिया. And when I was not going to the school, माई फादर वॉज सेइंग व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल. मैं बोलो मेरे पैर में लगी है. माय पापा इसको एक चांटा मारा मुझे नीचे उतरते उतरते. द सेम वह जो गाली जो मेरे बड़े ब्रदर ने पापा को बोलते वक्त दी थी घर से बाहर जाते वक्त, वही गाली मैंने पापा को डिलीवर कर दी कि अब देखना मैं ये हुआ तो आपके घर आऊंगा. माय पापा विद द फ्रेंड्स, व्हाट दे हार्ट दैट टाइम. उस वक्त उनकी क्या मनोस्थिति रही होगी वो आज मैं महसूस करूंगा. हमेशा हमसे जाने अनजाने कुछ हो जाती. आप वो फादर की भावना है, आप जिद कर रहे हो पिता की जेब में पैसे नहीं है. उस वक्त वो पिता की मनोस्थिति क्या होती होगी, आपको तो आपकी जिद से मतलब. यू आर नॉट रॉन्ग, योर फादर वॉज नॉट रॉन्ग. आप भी अपने अपनी सीमितता के साथ थे. मैंने भी वही गाली जिसका मतलब भी नहीं जानता था मैं, वो सुना, मैंने कहा क्रोध में ऐसा बोला जाता. द सेम वर्ड आई डिलीवर्ड. माय फादर केम इन द नाइट, बोले मेरी मदर को बोला उन्होंने, मुझे याद है अच्छी तरह, बोले देखो यार छोटा सा बच्चा भी ये बड़ा बोल के आता है, उसको सुन के मुझे बोलता है ऐसा. देखिए आई वाज नॉट अवेयर, बट 58 ईयर, मतलब आफ्टर 50 ईयर्स आई एम रियलाइजिंग. ऐसे मैंने हमेशा रियलाइज किया है कि यार मेरे को बाबूजी को ऐसा नहीं बोलना था, मेरे को नहीं, मुझ में बुद्धि नहीं थी. तो कई काम हम ऐसे कर जाते हैं, वह मेरी नई बुद्धि रहने के कारण मेरे को तो ऊपर वाला कर देगा माफ, लेकिन वह पिता को जो मेरे शब्दों ने पीड़ा पहुंचाई और उनके फ्रेंड्स के साथ में, वो क्या गुजरी होगी आप बताओ. ऐसे ही कुछ आप आज हम मौन में यात्रा करेंगे, जिसमें केवल आप एक पुत्र या पुत्री के रूप में आपके पिता के साथ बिताए गए पलों को गुजारेंगे. जो अच्छा हुआ उसको भी प्रभु को समर्पित करेंगे, और ऐसा लगा कि आपके कोई कृत्य से पिता को हर्ट पहुंचा हो, पिता को दुख पहुंचा हो. ऐसे आप लोग कोई इंटरेस्ट नहीं देना नहीं चाहता दिखकर. इफ यू फील फादर हैज लिटिल बिट हर्ट बाय माय एनी एक्शन, मैंने जोर से बोला थे, वो सब याद आएंगे आज आपको. आपको माफी उसी वक्त मांगनी है पापा आपके इस धरती पर हो या ना हो. आफ्टर सर टाइम वेन एवर आई वॉन्ट इंटरप्ट, आई विल गाइडेड यू ओनली. एंड यू थिंक वेन यू बिकम मदर आर फादर, व्हाट यू डिलीवर्ड. दोज मेल आर हियर, वो जैसे मेल में मैं हूं, बासु है, हमने जो अपने पिता से महसूस मेलू करा और कुछ पिता भी नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं, तो उस लेवल में वो केवल जो रिसीव किया पिता से उसको याद करें. कोई लोग मां भी नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं, वो केवल वहीं पर आके रुक जाए. एंड वो कल्पना करें कि आने वाले टाइम में अपने बच्चे से अपन क्या चाहेंगे. ये ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले में छोड़ दें. आई होप एवरीबडी गॉट इट, दिस कार्मिक एक्सचेंज क्लियर हुआ.
हमने हमारे पिता से क्या रिसीव करा बाल्यकाल से लेकर अभी तक, और हमने एक पिता या मां के रूप में क्या डिलीवर्ड किया। एक में आपको माफी मांगनी है, एक में आपको माफ करना है। द फर्स्ट स्टेप आपको माफी मांगनी है, और सेकंड स्टेप में पुत्र ने कुछ भी करा हो, क्या करा हो, गलती करी हो, उसको आपको माफ करना है। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? कल्पना बेटा, मन में चल रहा है कुछ? प्रणाम गुरुजी। कुछ चल रहा है मन में? गुरुजी जैसे इसमें हम दो पार्ट लेंगे, एक तो हमें अपने पिताजी वाला जो टाइम है, और दूसरा हमारे बच्चे के लिए हमें उन्हें माफ करना है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि अपने बच्चे के लिए भी कभी हम ऐसा होता है कि उसे बिना वजह गलती से डांट देते या हर्ट कर देते, बच्चों को भी तो हर्ट कर देते भले ही वो 4 साल का ही बच्चा क्यों ना हो। तो बेटा, उस कंडीशन में हमें उससे माफी मांगनी है, ऐसा? आप देखो, हेलो, कैसा कि कल्पना ने नई बात निकाल दी ना, है ना, अपने बच्चों को भी हर्ट हुआ तो वाइस वर्सा भी करना है। ये बात, मेरा वाइब्रेशन गया कि कल्पना वांट टू से, कल्पना ने हेट कर दिया उसको। मैं चाहता था ये चीज कि कोई तीसरा बोले कि हमको भी, आप बड़े हैं तो क्या हुआ, आपने एक बच्चे को अपने खूब मारा एक दिन, फिर आपका खुद का कॉन्शियस कहता है कि यार मेरे को बच्चे को नहीं मारना था, अरे यार मैंने ज्यादा, उसको मारने के बाद प्यार भी उसी को करते हैं, तो प्यार करना अधिकार है, लेकिन मारना गलत था ना। कई बार होता है ना ऐसा, यस नो, होता है ना भारती, वर्षा, होता है ना बेटा, बच्चों को अपन डांट देते हैं लेकिन वो उसी वक्त अपन उसको हक करके प्यार भी करते हैं। तो जो कल्पना जी ने कहा इस राइट, अगर आपको ऐसा लगता है कि अपन ने अपने बच्चे के साथ अत्याचार किया, जस्ट उस ऊपर वाले से माफ, बच्चे से ही माफी मांगा तो कोई वो नहीं है। विवेकानंद जी ने 8 साल के बच्चे को धोख देके उससे क्षमा मांगी थी। बस ये दो चीज सार्थक करिए। आज मोनी अमावस्या है, साइलेंस में बैठेंगे हम, ध्यान करेंगे व्हाट यू रिसीव फ्रॉम योर फादर, एनी मिस्टेक, और आज तक की कोई भी गलती आपसे हुई हो उस पे आपको माफ करना है, माफी मांगनी है आपको। एंड सेकंड पार्ट में एज ए मदर, आप बच्चों के साथ, आपसे जो भी प्यार हुआ, बच्चे ने कोई गलती कर दी, बच्चों को भी माफ करना है, और आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती, उसको माफ करना है। इट विल डिटॉक्स योर कर्मा, और आपके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जो मैंने आपसे 50 साल पुरानी बात शेयर करी, उस वक्त मैं अबोध था, मुझे खुद नहीं मालूम मैं जो शब्द बोल रहा हूं इसका क्या मतलब होता है, लेकिन उस वक्त मेरे पिता को क्या पीड़ा हुई होगी, आज मतलब समझ के मैं उसका एहसास करता हूं। ऐसा आपके जीवन में नहीं हुआ हो, लेकिन कभी हुआ हो तो भी आप उस सोल से जरूर माफी मांगना, या उस 5 एलिमेंट बॉडी अगर आज उपस्थित है उसे जरूर मांगना। क्लियर? नाउ इन द स्टेप्स, एनी क्वेश्चन विद एनीवन? कोई आपके घर में प्रश्न उठा कि गुरुजी हम यही कैसे करेंगे, हम तो माँ है, हमको बच्चा ही नहीं है, कैसे करेंगे? मैं आपको बोल चुका हूँ कि आप लोग जब आज अमावस्या के दिन मेडिटेशन करेंगे, आप अगर पिता आपने देखे ही नहीं बचपन से, कुछ किसे से वैसा भी होगा, तो आप छोड़ दें, है ना, साइलेंट आंखें बंद करके बैठे रहें और अपने बच्चों पर ध्यान दें, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपके पिता देखे आपने अल्पायु तक, मैंने 8 साल तक देखे पिता को, 9 साल तक देखा, उसके बाद तक का स्मरण याद है मुझे, उसके बाद तो खाली हो जाऊंगा, उसके बाद मैं बच्चों पे आ जाऊंगा मेरे। और अगर आपको बच्चे नहीं है, है ना, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट मैरिड, दैट इज ओके, तो वहां तक आके रुक जाइए और आके बंद कर ध्यान करके बेटी, यस रूपा, गुरुजी इज इट यू हैव टू थिंक लाइक अ पेरेंट और यू हैव टू थिंक एज अ फादर, बिकॉज़ आई वॉट एवर मिस्टेक डन बाय यू टुवर्ड द फादर, फादर स्कोल्ड यू समटाइम, यू जस्ट बोल द केस, यू जस्ट हैव टू आस्क सॉरी फ्रॉम हिम।
And now second part, you have to become as a mother. And whatever your children you have, if any mistake did that done by your children, you just forgive them. Agar bachcha aapko hurt karke bhi jata, let's forgive them. And if the mistake done by you, you only say excuse to your children, like Kalpana did. Got it, Rupa? Yes, thank you. It's a very beautiful process. Now you join in. Any question anybody had? Guruji, pranam Guruji. Haan, bol Bharti. Apni bahu, wo bhi beti hui. Aap bahu pe nahi jayenge. Nahi jana. Nahi, don't go in. वो हम कहते हैं उनके साथ बहू जैसा वर्ताव करना चाहिए, है ना, बेटी जैसा वर्ताव करना चाहिए, बट बेटी तो नहीं ना हमारी. हाँ बेटा दीपिका बोल. नमस्ते गुरुजी. गुरुजी मैंने लेट ज्वाइन किया, बट आई हैव अ क्वेश्चन. तो हमें अपने फादर से माफी मांगनी है. बेटा माफी नहीं मांगनी, राइट? यू हैव टू रिकॉल द टाइमिंग विच यू स्पेंट विद योर फादर, स्टिल यू आर स्पेंडिंग, एंड एनी मिस्टेक यू डन बाय यू. आपके आपके and what about the mistake done by him? हाँ, you in both cases. जो गलतियाँ हुई हैं. आप उनकी तो गलतियाँ मानो ही मत. एक पिता के रूप में है वो, उनकी गलतियों को माफ करो. You cannot do anything because it is to become, it is to become a past. जी. You have no right to become a judge, to criticize or make his mistake. Don't try to become a judge for someone else's mistake. Someone, if you are, if I am your father, if I did something mistake toward you, I have to pay my karmas. You're not required to indicate my problem. You just keeping any subconscious mind ko tumhara active hai, aap mujhe maaf karo, chal main aapko maaf karti hu, ishwar ke upar chhodti hu aapka faisla. Aur aapse koi galti hui ho, wo to aapko maafi mangni hai. Theek hai, got it. Number 2, now you will play today's role, Moni Amavasya. Now after that you think as a mother, whatever your son did the mistake, either you hurt someone, in that case you can both, you just forgive him. If your son name is Madhav, he something did wrong and is not listening your voice, don't keep any type of guilt in the mind ki maine bachche ko maar diya tha. Maine aap maar dete fir pyar bhi kar lete, daant dete. It's a process of the love. But in the karmic action, whatever we receive and whatever we deliver, we just detox both. Clear? Okay? Any question? आपको समझ में नहीं आती दीपिका जी? गुरुजी बीच में network was bad. I could not hear you. बेटा आज ये process में आपको, आपके साथ पापा के साथ जो बिताए गए पहले अभी तक के, उनके साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पिता के कोई disrespect करी है, कोई गलती करी है, आप माफी मांगिए. ऐसा लग रहा पता के मन में आपके, उसके केस में माफ करिए आपको, राइट नहीं, आप भगवान पर छोड़िए फैसला, है ना. Or after that time, you think as a mother, whatever you deliver as a mother to that son, अगर ऐसा लगता है कि बच्चे को अपने को मांगा, उसको डांट दिया, नहीं करा, वो भी आप अपने पास से मुक्त होइए उस गलती से भी. अगर बच्चे ने कोई जाने अनजाने आपसे मिस्टेक करके करा, हम तो मां लोग हैं, हम तो बच्चे को माफ करते ही है, पर लेकिन इस बार अगर कुछ याद आया तो और उसको क्लियर कर. मुझे याद है मैंने क्या गलतियां की एज अ मदर. हाँ, ओके. ऐसे गलतियां नहीं कि माँ गलती थोड़ी करती, माँ तो गॉड है. लेकिन एक हम पांच तत्व के शरीर से, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, और एग्जांपल मैं कंजूस आदमी हूँ, है ना, मेरी बेटी तू है, तू मेरे से बड़ी चीज मांग रही है, मैं कंजूस कान दे नहीं रहा हूँ. वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ईच आफ्टर सम टाइम इन नेचर. तो हमें वो रिलीज करना है हमारे माइंड में, कहीं नहीं करना, पड़े है सबकॉन्शियस माइंड में, उन सबको रिलीज करना है. ठीक है, anybody else? Should you go for meditation? Wow, very good.